हम सभी जानते हैं कि दुनिया में रोज कोई ना कोई ऐसे इनोवेशन होते रहते हैं जो सिर्फ एक देश के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए मील का पत्थर साबित होती हैं। तो आज हम आपको एक ऐसी ही टेक्नोलॉजी के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। उससे पहले बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्या आप जानते हैं हर रोज दुनिया में 1 लाख से ज्यादा फ्लाइट उठते हैं और लैंड करते हैं। इन प्लेन्स को उड़ाने के लिए एक स्पेशल फ्यूल की जरूरत होती है जिसे ATF यानी एयर टर्बाइन फ्यूल कहा जाता है। लेकिन अब इस फ्यूल का इस्तेमाल कम से कम होगा क्योंकि स्वीडन की एक स्टार्टअप कंपनी हॉट एरोस्पेस इलेक्ट्रिक प्लेन बना रही है जो कि छोटा नहीं बल्कि 30 सीटर प्लेन होगा। कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक प्लेन से जुड़ी कई अहम जानकारियां शेयर की है। ES-30 के नाम से बन रही इस इलेक्ट्रिक प्लेन का 2028 तक कमर्शियल इस्तेमाल शुरू होने की संभावना है। बैटरी से उड़ने वाले इलेक्ट्रिक प्लेन को बनाने के लिए लगातार रिसर्च भी किए जा रहे हैं और जरूरत के मुताबिक इसमें बदलाव भी हो रहे हैं। कंपनी का ये दावा है कि 2026 से टेस्टिंग के तौर पर इस प्लेन को उड़ाना शुरू भी कर दिया जाएगा। 30 सीटों वाला ये इलेक्ट्रिक प्लेन बैटरी से 200 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है जबकि हाइब्रिड टर्बो जनरेटर की मदद से ये इलेक्ट्रिक प्लेन 200 किलोमीटर एक्स्ट्रा उड़ सकता है यानी कुल मिलाकर 400 किलोमीटर तक इसे उड़ाया जा सकता है। अमेरिकी एयरलाइंस कंपनी यूनाइटेड एयरलाइंस और मेसा एयर ग्रुप ने ऐसे 30 सीटों वाले 200 इलेक्ट्रिक प्लेन का हाल ही में ऑर्डर दिया है जबकि एयर कैनेडा ने 30 इलेक्ट्रिक प्लेन का ऑर्डर दिया है। पिछले साल 2021 में हर्ट एरोस्पेस ने ES-19 यानी 19 सीटों वाले प्लेन का डिजाइन बनाकर इसकी टेस्टिंग की थी। इलेक्ट्रिक प्लेन बनाने वाली हर्ट एरोस्पेस वैसे तो एक स्टार्टअप कंपनी है लेकिन इसमें दुनिया भर की कई जानी मानी कंपनियों ने इन्वेस्ट किया हुआ है। इन कंपनियों में कई एयरलाइंस कंपनियां शामिल है। यही नहीं बिल गेट्स और एयर कैनेडा ने भी इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। इससे आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक प्लेन का बाजार कितना बड़ा होने वाला है और इस पर कितना भरोसा जताया जा रहा है। भरोसा इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रिक प्लेन के कई सारे फायदे हैं। इससे कंपनियों का फ्यूल पर होने वाला खर्च 80-90% कम हो सकता है। इसके साथ ही इस प्लेन की आवाज बेहद कम होगी यानी नॉइज पोल्यूशन 9 के बराबर होगा और पोल्यूशन की वजह से हो रहे क्लाइमेट चेंज के लिए प्लेन भी जिम्मेदार है। लेकिन इलेक्ट्रिक प्लेन से एयर पोल्यूशन आम प्लेन के मुकाबले करीब 80-90% कम हो जाएगा। आप जब एयरपोर्ट के पास पहुंचते हैं तो काफी तेज आवाज और पोल्यूशन से परेशान हो जाते होंगे लेकिन इलेक्ट्रिक प्लेन की वजह से एयरपोर्ट के आसपास का इलाका बिल्कुल शांत और पॉल्यूशन फ्री हो जाएगा। हालांकि जो ये इलेक्ट्रिक प्लेन बनाए जा रहे हैं वो लंबी दूरी तय नहीं कर सकते लेकिन छोटी छोटी उड़ान जरूर भर सकते हैं। भारत जैसे बड़े देश में भी ये प्लेन कई शहरों के बीच उड़ान भर सकता है। आज पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का बोलबाला है। इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बस का खूब इस्तेमाल हो रहा है। भारत में भी न केवल इन गाड़ियों की कीमत पहले के मुकाबले कम हो रही है बल्कि धीरे धीरे इसके लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाए जा रहे हैं। साथ ही भारत में लगातार इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से भी सब्सिडी दी जा रही है। तो क्या आप भी चाहते हैं कि भारत में भी जल्द ही इलेक्ट्रिक प्लेन आए? तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और पावर टॉक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए पावर टॉक्स। शुक्रिया।